खाद्य वितरण में धांधली को लेकर धरने पर बैठे समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू। साधन सहकारी समिति पर खाद्य वितरण को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों के साथ धरने पर बैठे समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने कहा, दो दिन में नहीं मिली किसानों को खाद तो करेंगे जिले पर प्रदर्शन। समाज सेवी सहित सैकड़ों किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। हरपालपुर विकास खंड के पलिया ग्राम पंचायत स्थित साधन सहकारी समिति का मामला। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। मारामारी मची हुई कटियारी में और पलिया सहकारी समिति पर दलालों के माध्यम से खाद वितरण कराई जा रही है। देखिए वास्तविकता है, आपने क्योंकि आप पत्रकार में आपको तो हकीकत पता भी है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। रात 4 बजे से लोग चारपाई और बिस्तर लेके वहाँ समिति में पड़े हैं। एक एक बोरी खाद के लिए मारामारी है। पारदर्शिता अगर प्रशासन बरते निश्चित रूप से गरीब आदमी को भी खाद मिल जाए, लेकिन वहाँ बिचौलिए दलाल और सत्ता पक्ष के जो एजेंट के रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग जबरदस्ती टोकन छीनने का काम, किसानों को खदेड़ने का काम और निश्चित रूप से उनको खाद नहीं मिलने दे रहे हैं। हमने देखा, आज हमने पूरा दिन वहां समय बिताया है। हम तो आ गए थे 7 बजे, तमाम लोग बेचारे चाय नहीं पी के आए, नाश्ता नहीं करके आए और एक बोरी खाद के लिए तड़प रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखो तो बिचौलियों का स्टॉक लगा हुआ है। पहले खाद ट्रक उतरने के समय पे ही पता लगा उनकी ट्रालियों से खाद उनके यहाँ पहुंच गई। आम जनमानस को अगर खाद देना है तो चाहे ट्रालियों से गांव भेजें, प्रशासन के लोग लेखपाल के माध्यम से बांटें, कोटेदार के माध्यम से बांटें, जब तक जनता को सीधे लाभ नहीं मिल सकता है तब तक सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी हो जाए, ये बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है और गरीब आदमी त्राही त्राही कर रहा। दहलिया के लोग, बारामो के लोग, अरवल के लोग यहाँ पलिया खाद लेने के लिए आ रहे हैं। सरकार के पास वो व्यवस्था नहीं है कि वहाँ गोदाम पे भिजवाने की व्यवस्था करें। अगर वहाँ गोदाम ले तो पूरे पूरे ट्रक आप उतरवा के वहाँ वितरण कराइए, जिससे कि वहाँ के लोग और वहाँ के जो लोग चल के आ रहे बेचारे हैं और यहाँ जब उनको खाद नहीं मिलती पूरे पूरे दिन पड़े रहते हैं, कितना मायूस होते होंगे और कितना जनप्रतिनिधियों के लिए उनकी दिल से बददुआएं निकलती हैं। सर, क्या इस मामले को लेकर आपके कोई आगे कदम उठाएंगे? बिल्कुल, हमने आज कह के हमारे 600 लोगों को हम टोकन बंटवा के आए हैं। अगर 2 दिन में व्यवस्था नहीं शुरू होती है तो हम धरने पर निश्चित रूप से बैठ जाएंगे और उप जिलाधिकारी सभा के कार्यालय में हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जब तक खाद की सुचारू व्यवस्था किसानों को नहीं मिलेगी हम वही धरने पर ही बैठे रहेंगे।